बेगूसराय जिले के चिड़िया बरियारपुर प्रखंड परिसर के मैदान में शुक्रवार को T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कर्पूरी ठाकुर ने फीता काट कर किया। मौके पर उपस्थित खिलाड़ियों एवं आयोजनकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि खेल में भी करियर की अपार संभावनाएं हैं, जबकि खेल से जहां शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है, वहीं चुस्ती एवं फुर्ती की अनुभूति महसूस होती है। वर्तमान समय में खेल भी करियर का एक हिस्सा है। बहुत सारे ऐसे युवाओं ने भी देश दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहराने का काम किया है, जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में फिसड्डी रहने के बावजूद अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जरूरत है खेल को खेल की भावना से खेला जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा निखर कर सामने आ सके। जानकारी के मुताबिक डायमंड यूथ क्लब चिड़िया बरियारपुर के तत्वाधान में आयोजित टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही है। प्रथम दिन उद्घाटन मैच चिड़िया बरियारपुर बनाम उलाव टीम के बीच खेला गया। इससे पूर्व वीडियो ने दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर हौसला अफजाई की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए उलाव की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 224 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में खेलने उतरी बरियारपुर बी टीम के खिलाड़ी 215 रन बनाकर आउट हो गई। इस प्रकार 9 रनों से विजेता उलाव टीम के खिलाड़ी अंकित कुमार को तूफानी बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिसने 24 गेंदों में 72 रनों की धमाकेदार पारी खेली। मैच के दौरान चंदन गोयनका एवं कुणाल कुमार निर्णायक की भूमिका में दिखे। टूर्नामेंट को सफल बनाने में पैगामे अमन हिंद फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद शहजाद, विवेक कुमार पिंटू, इरशाद अख्तर, गौरव कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। बिटेरोस बिहार के लिए बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि खेल एक ऐसी चीज है जो न केवल दो टीमों को बल्कि यहाँ से भी लोग आते हैं, दो प्रखंडों को भी और साथ ही साथ लोगों के दिलों को जोड़ने का।